यहाँ पर सपा विधायक आजम खान सुबह 10 बजे शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ गई है। विधानसभा सत्र से पहले शपथ लेने की खबर आजम खान की, कल रात ही वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए थे और लखनऊ में ही उनकी मौजूदगी दर्ज है अभी भी, और आज 10 बजे वो शपथ ले सकते हैं क्योंकि विधायक चुनने के दरमियान और जीत के दरमियान वो जेल में थे, और अब 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो शपथ ग्रहण करेंगे। ज्यादा जानकारी सहयोगी शैलेश से लेते हैं। शैलेश, क्या अपडेट है? देखिए, सपा विधायक आजम खान जो है वो आज सुबह 10 बजे विधानसभा में शपथ लेंगे विधायक पद की, और उसके बाद में जो सत्र की शुरुआत होगी उसमें भी शामिल होंगे। देखिए, एक्सक्लूसिव जानकारी है, चीजें तय हो चुकी हैं, समय लिया जा चुका है। आजम खान ने देखिए सोचे की बात है तो इसे लेकर समय ले लिया है, और 10 बजे विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में वो रहेंगे, वहां पर वो शपथ लेंगे, और इसके बाद में आज से जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें भी आजम खान शामिल होंगे। देखिए, जो कयास लगाए जा रहे थे उन पर अब विराम लग गया है, चीजें तय हो गई। हालांकि देखिए, अभी हमने कोशिश की विधानसभा अध्यक्ष और बाकी लोगों से बात करने के लिए, कोई भी इस पर फिलहाल बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन चीजें तय है। हमारे जो सोर्सेज है उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि 10 बजे आजम खान जो है वो शपथ लेंगे। और देखिए, आजम खान के शपथ लेना सिर्फ शपथ लेना नहीं है, तय हो गया कि वो सत्र में भी शामिल होंगे, और अब इसके बाद इस बार का जो सत्र है वो और भी ज्यादा लोगों की नजर रहेगी कि सत्र में आने के बाद आजम खान जो है, क्योंकि अभी तक सब ये जानना चाहते हैं उनका रुख क्या होगा, चाहे वो बात किया समाजवादी पार्टी को लेकर, शिवपाल यादव को लेकर, तो निश्चित रूप से ये अब सबकी निगाहें हैं कि आज जब सत्र में जाएंगे आजम खान तो उनका रुख क्या होगा, क्या वो सपा के साथ वहां पर कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आएंगे, या फिर अगर बात की जाए तो वहां पर वो शिवपाल यादव के साथ उनकी करीबी ज्यादा दिखती है, क्या चीजें रहेंगी, इस पर अब सबकी निगाहें हैं। और लगभग 10:45 बजे आजम खान जो है वो विधानसभा संसद मानते तो पहुंच जाएंगे लगभग 10:45 बजे, और 10 बजे का ये कार्यक्रम बताया जा रहा है। इसके अलावा उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम जो है वो भी सत्र में शामिल होने वाले हैं, तो अब सबकी निगाहें इस पर। देखिए, 11 बजे से सत्र की शुरुआत होनी है, राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत होगी, इसके बाद में कुछ विधेयक और अध्यादेश भी लाए जाने हैं, सदन में रखे जाने हैं, तो लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर एबीपी गंगा सबसे पहले दे रहा है, कंफर्म कर रहा है कि आजम खान जो है सपा विधायक जो है वो आज शपथ लेंगे। वो कल ही रामपुर से चल दिए थे, लखनऊ पहुंच चुके हैं, फिलहाल कहां है ये जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है। जो उनको सरकारी एक दारुल छपा में आवास अलॉट है वहां पर भी हमने देखा, लेकिन वहां भी वो नहीं है, लेकिन ये तय हो चुका है कि लगभग 10:45 बजे आजम खान विधानसभा पहुंचेंगे और 10 बजे शपथ ग्रहण होगा, और उसके बाद 11 बजे से जो सत्र शुरू होगा उसमें भी आजम बिल्कुल खान। ये बड़ी अपडेट आपने दी है शैलेश, क्योंकि देखिए इस वक्त आजम का हर एक आजम की जो मूव है वो या मूवमेंट है वो बहुत सीक्रेट रखी जा रही है। उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया कि मेरा सफर कहाँ का है, कहाँ तक का है, मैं खुद नहीं जानता, यानी जाहिर तौर पर वो कुछ बताना नहीं चाहते। लेकिन ये बड़ी खबर है कि कम से कम 10 बजे उनके शपथ लेने की जानकारी आ रही है, और अगर तस्वीरें आती हैं तो एबीपी गंगा पर हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे। बड़ी जानकारी है, 10 बजे शपथ लेंगे आजम खान। हमारे सहयोगी शैलेश जानकारी दे रहे थे ये बड़ी खबर के साथ। सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश से तापमान में आई गिरावट। नोएडा गाजियाबाद समेत कई जगहों पर बारिश और तूफान। चढ़ते पारे के बीच बारिश ने लोगों को गर्मी से दी राहत, वहीं कुछ तेज हवाओं और खतरनाक आंधी से कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स भी प्रभावित। अमरोहा में तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश, तेज हवाओं के साथ बारिश की वजह से कई जगह बिजली हुई गुल। उत्तराखंड में भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सच साबित, सुबह सुबह बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए काले बादल, हुई बारिश। पौड़ी में हुई झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया था भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बारिश से बदला मौसम। मसूरी में भी अचानक से मौसम ने करवट बदली, हल्की बारिश के साथ तापमान में भारी गिरावट, मसूरी में मौजूद पर्यटक ले रहे हैं मौसम का आनंद। उत्तरकाशी में मौसम का बदला मिजाज, सुबह होते ही हो रही है बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। चार धाम यात्रा के बीच केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी और बारिश, केदारधाम में बर्फबारी की तस्वीर आई सामने, सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं तीर्थयात्री। बर्फबारी के बावजूद लाइन में लगकर दर्शन का इंतजार कर रहे हैं भक्त, तीर्थयात्रियों के लाइन में लगने का वीडियो वायरल। श्रावस्ती में नेशनल हाईवे 730 पर हुआ बड़ा सड़क हादसा, बहराइच से आ रही है जायरीनों से भरी पिकअप खाई में गिरी। हादसे में एक ही मौत, 24 से ज्यादा घायल, सभी जायरीन दरगाह सैयद सलार से जियारत कर संत कबीर नगर जा रहे थे। ग्रेटर नोएडा में नेशनल हाईवे 91 पर रोडवेज बस और इको वैन की हुई टक्कर, दो महिलाओं की मौत, 5 लोग जख्मी।
बुलंदशहर से गाजियाबाद की तरफ जा रहे थे सभी लोग। हादसे में इको वैन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। दादरी कोतवाली क्षेत्र के पास हादसा। रायबरेली में कपड़े और जूते चप्पल की दुकान में लगी भीषण आग। आसपास की दुकानों तक फैली आग। आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है। कई दुकानों को नुकसान हुआ, लाखों का सामान जलकर खाक। जालौन में अज्ञात कारणों के चलते टायर की दुकान में भीषण आग। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक। उरई कोतवाली कांगड़ा। बुलंदशहर में शादी समारोह से लौट रहे पति पत्नी से बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूटपाट की। 6,000 रुपए और जेवर। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने तमंचे की बट से वार कर दंपति को किया घायल। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला। नाम में मामूली विवाद से दो पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों से गर्भवती महिला समेत 5 लोग हुए घायल। घायलों को बांगरमऊ से एससी में भर्ती करवाया गया। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की 25,000 के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़। एक बदमाश घायल, एक मौके से फरार। इनामी बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। बाल बाल बचे सब इंस्पेक्टर नवीन गौतम। बदमाश के पास से लूट का सामान बरामद। मुजफ्फरनगर की रामराज पुलिस और बदमाश के बीच चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। बदमाश ने पुलिस पार्टी पर की फायरिंग। गोंडा में दुर्गापुर माजा के रहने वाले गैंगस्टर इद्दल यादव के खिलाफ प्रशासन ने की कुर्क की कार्रवाई। 1,84,00,000 की संपत्ति को कुर्क की गई। अमेठी में शातिर गैंगस्टर आशीष दुबे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने आशीष दुबे की 65,00,000 की संपत्ति की जब्त। नोएडा के पैन ऑसिस सोसाइटी में लोगों ने सेक्टर 70 में बिल्डर के खिलाफ किया प्रदर्शन। बिल्डर का अथॉरिटी पर 260 करोड़ का बकाया। पीलीभीत में तालाब पर हो रहे अवैध पठान को लेकर के प्रशासन का एक्शन। एसडीए और पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर तालाब का पठान रुकवाया। मामले में जांच और कार्रवाई के दिए निर्देश। तालाब को पाटने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। आगरा में इन दिनों अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन में नगर निगम। जिला प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण को लेकर चलाया गया अभियान। कोतवाली इलाके में बुलडोजर पहुंचा तो स्थानीय दुकानदारों में मचा हड़कंप। अपनी दुकान बंद करके भागते हुए दिखाई दिए दुकानदार। कुमाऊं और नागा रेजिमेंट जवानों ने कपकोट के सुंदर ढूंगा की माउंट दुर्गा कोट पर्वत पर फहराया तिरंगा। कुमाऊं नागा जवानों का दल 9 मई को खरकिया पहुंचा था। 10 मई से 20 मई तक दल का अभियान चला और 21 मई को 5800 मीटर की ऊंचाई को पार किया। केदारनाथ धाम में लगातार बढ़ रहा है श्रद्धालुओं के मौत का आंकड़ा। रविवार को भी 2 तीर्थयात्रियों की जान गई। 6 मई को खुले थे केदारधाम के कपाट और कपाट खुलने के बाद से लेकर अब तक 28 श्रद्धालुओं की जा चुकी है जान। यूपी में विधानसभा का आज से शुरू होगा बजट सत्र। सुबह 11 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ होगा सत्र शुरू। इस सत्र में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया जाएगा। इस बार यूपी विधानसभा में ई विधान सिस्टम को भी लागू कर दिया गया। विपक्ष ने सरकार को घेरने का बनाया प्लान। कानून व्यवस्था महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। आजम खान विधानसभा के बजट सत्र में होंगे शामिल। विधायक पद की शपथ भी लेंगे आजम खान। जेल में रहने की वजह से विधायक पद की शपथ नहीं ले पाए थे। ज्ञानवापी मामले पर आज वाराणसी जिला जज की अदालत में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज सुनवाई होगी शुरू। ज्ञानवापी विवाद में आज एक और याचिका दाखिल होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी वाराणसी कोर्ट में दाखिल करेंगे याचिका। ज्ञानवापी केस में सुनवाई से पहले वाराणसी में बढ़ाई गई सुरक्षा। मुस्लिम इलाकों में पुलिस की गश्त। पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में सड़क पर उतरी पुलिस। आज लखनऊ में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक। राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। बैठक में सीएम योगी भी हो सकते हैं शामिल। प्रदेश कोर कमेटी राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम पर केंद्रीय आलाकमान को भेजेगी। केंद्रीय आलाकमान नाम पर मंथन और अंतिम मुहर लगाएगा। बुलंदशहर पहुंचे पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी ने मोदी सरकार को घेरा। अजीज कुरैशी ने कहा है कि आज सरकार का इंसानियत को बांटने का काम कर रही है। मैं आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूँ कि मैं बता दूँ क्या मामला क्या है। जब नाकाम हो जाती है सरकार कोई तो उसके बाद एक ही रास्ता रहता है, वो एक अफीम का इस्तेमाल करती है। लोगों को नशा कराने के लिए अफीम का इस्तेमाल करती है कि लोग नशे में आ जाएं और अपनी माँ को भूल जाएं, समझ कर छोड़ दें। और वो नशा जो है उसने माँ ने कहा था वो अफीम जो है। मऊ पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने आजम खान की नाराजगी पर दिया बयान। कहा आजम नाराज हैं लेकिन नाराज होकर जाएंगे। कहा का वो प्रेजेंटेशन था, कल से सदन चल रहा है, आज आपके सामने हैं। विधानसभा से खाली होंगे तो उनसे मिलेंगे। काफी नाराज चल रहे हैं आजम खान जी अपने से। ऐसा कुछ नहीं है, अभी उनके बयान को हमने भी सुना है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को भी मंच से दी नसीहत। का अखिलेश यादव को एसी रूम से निकल करके बाहर कार्यकर्ताओं से करनी चाहिए मुलाकात।
नहीं, उनको निकलना चाहिए, क्षेत्र में जाना चाहिए, उनको भी मीटिंग करना चाहिए, उनको भी अपने नेताओं से मिलना चाहिए, ये मेरे कहने का तात्पर्य है। अरे अब निकल रहे हैं, अब उनको निकालना ही निकालेंगे, हम जाएंगे तो न। चंपावत में सीएम पुष्कर सिंघा भी जनसभा को करेंगे संबोधित, जनसंपर्क कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। चुनाव को लेकर के भाजपा नेताओं का चंपावत में डेरा, मदन कौशिक 4 दिन के दौरे पर, चुनाव प्रभारी रेखा वर्मा समेत कई बड़े नेता चंपावत में हैं मौजूद। आज चंपावत में पूर्व सीएम हरीश रावत भी दिखाई देंगे, कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़े के लिए करेंगे प्रचार। सोनभद्र के में मशीन का भाड़ा मांगने पर व्यवसायी की पिटाई की गई है, बलराजी मिनरल्स कंपनी के कर्मचारी ने जानलेवा हमला किया। उन्नाव में मुलाकातियों से हवलदार का पैसा लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, बंदी से मुलाकात कराने की पर्ची बनाने वाले हवलदार ने महिलाओं से लिए 300 रुपए। राजस्थान के जोधपुर में तैनात सेना का जवान हनी ट्रैप का शिकार, रुड़की के कृष्णानगर का रहने वाला जवान, पाकिस्तानी महिला जासूस को जानकारी लीक करने का इशारा। गुना में 4 शातिर महिला चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 52,000 रुपए की नकदी हुई बरामद, रोडवेज बस स्टॉप और अलग अलग जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। लखनऊ में सोफे के गोदाम भीषण आग लगने से हुआ स्वाहा, आधे घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी, मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को काबू में लिया। रायबरेली में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर की पलटी, रायबरेली से बचरावा जा रहा था पिकअप, 2 लोग हुए घायल, एक की हालत गंभीर। वाराणसी में अतिक्रमण हटाने गई टीम से भिड़े लोग, अतिक्रमण टीम पर आगजनी और महिलाओं से मारपीट का लगाया आरोप। काशीपुर के गांव में फ्रीजर से पानी लेने गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या का खुलासा, हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी और भांजा गिरफ्तार, पूछताछ जारी। सीतापुर में देर रात आई तेज आंधी बरसात के चलते शहर में बिजली व्यवस्था हुई ठप, जिला अस्पताल की बिजली भी गुल। बस्ती रुधौली में एक युवती ने इच्छा मृत्यु की मांग की, मंचले से परेशान युवती ने लिया प्रशासन को पत्र, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। फिरोजाबाद से गायब 3 छात्राएं हुई बरामद, फिर शिकोहाबाद के रेलवे कॉलोनी से गायब हुई थी छात्राएं। कन्नौज के सौरिक में छात्रा की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिले समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, आर्थिक सहायता का भरोसा दिया। राष्ट्रीय मुफ्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के डीएलएड कर चुके उपाधिधारकों ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से मुलाकात की, भर्ती की मांग की। शामली में अंतिम संस्कार से पहले शव को बारिश से बचाने की जद्दोजहद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, खुले आसमान के नीचे बरसात से बचने के लिए पन्नी के तिरपाल के नीचे खड़े हुए लोग। आगरा के नगला हवेली में धारदार हथियार से महिला की हत्या, पुलिस ने पति को हिरासत में लिया, दोनों के बीच चल रहा था विवाद। चलिए बड़ी खबर आ रही है आप तक पहुंचाए, बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ एक और केस दर्ज हो चुका है, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने यह पूरा मामला दर्ज कराया है, अतीक के खिलाफ एक और केस, पुश्तैनी घर गिराए जाने के बाद बिना अनुमति के टिन शेड लगाने का आरोप है, नक्शा पास नहीं हुआ है। सितंबर 2020 में सरकारी अमले ने अतीक अहमद का घर गिराया था, पुश्तैनी मकान था, लेकिन अब खबर आ रही है कि इसी पर टिन शेड अतीक अहमद ने फिर से बनाया है, इस पर अब मामला दोबारा दर्ज हो गया है। अतीक अहमद के खिलाफ एक और मामला विकास प्राधिकरण प्रयागराज की तरफ से ये दर्ज कराया जा चुका है। तो देखिए, पुश्तैनी घर गिराया जा चुका था, कार्रवाई हो चुकी थी, लेकिन अब पाया यह गया है कि टिन शेड फिर से उस पर लगाया गया, अब कार्रवाई होगी।